नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। सीएम योगी ने अपनी कमान कस ली है। ये न केवल बदमाशों के लिए है, बल्कि स्ट्रिक्ट रूल अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर अफसर व कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी सरकार ने प्रदेश में अब लेट लतीफ अफसरों और कर्मचारियों पर सख्ती करने की तैयारी की है। इसी कड़ी में गुरुवार को यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर अफसर और कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आज चीफ सेक्रेटरी और मनोज कुमार सिंह ने वन विभाग के ऑफिसों का सुपरविजन किया। वन विभाग निदेशालय पहुंचे अपर मुख्य सचिव का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया, जब मुख्यालय के 4 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी गायब थे। वन मुख्यालय के कैंपस में अपर मुख्य सचिव की गाड़ी देखकर कर्मचारी बाउंड्री कूद कर दाखिल होते देखे गए। बाउंड्री कूदते हुए देखकर अपर मुख्य सचिव ने वहां कर्मचारियों को फटकार लगाई, वो सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही साथ वन निगम मुख्यालय के मेन गेट पर ताला लगवा दिया। यही नहीं, दिलचस्प वाक्य तो अब आया जब एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी से अपर मुख्य सचिव ने उनके लेट होने का रीजन पूछा तो उन्होंने सूबे के उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया। बस फिर क्या था, अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उनको जबरदस्त फटकार लगाई और पूछा कि कैसे लेट हुए। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम के काफिले के जाम में मैं फंस गया था। तमाम तरीके के बहाने को सुनकर अपर मुख्य सचिव ने सभी को फटकारा और समय से ऑफिस पर पहुंचने की हिदायत दी। अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह ने बताया कि कई कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन निगम मुख्यालय के गेट पर ताला लगवा दिया गया है। MD को इस बार कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि जन समस्याओं का समय से हल सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर आलस या काम को टाले जाना बर्दाश्त के बाहर है। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि ये सुनिश्चित हो कि अफसर और कर्मचारी ऑफिस टाइम से पहुंचे। जी हाँ, तो योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि लेट लतीफ वालों पर होगी कार्रवाई। काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कि प्रदेश में अब अधिकारियों कर्मचारियों को टाइम पर ऑफिस आना होगा। लेट लतीफ अफसरों कर्मचारियों पर सख्ती का ये फरमान योगी सरकार ने सुनाया है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर अफसर और कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।